नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे DSSSB PRT की तैयारी करने वालों के लिए पार्ट सेकंड यानी पार्ट बी की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। हम आपको ज़्यादा बुक रिकमेंड नहीं करेंगे, दो बुक आपको बताएंगे, बस वे बुक ले लीजिए और आपका सिलेक्शन 100% है। आप ये मान लो 70+ या 80+ नंबर उसमें अटेंड करके आएंगे, नंबर भी ला सकते हैं आप 100 में से। ठीक है, प्रतीक सहवाल सर ने भी एक बुक लॉन्च की है, उस बुक का आपको रिव्यू देंगे, साथ ही साथ उसकी PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। बेस्ट बुक है, एक नंबर बुक है। देखिए बात करते हैं DSSSB NIOS समरी बुक है ये, प्रतीक सहवाल सर, प्रतीक मलिक सर दोनों ने मिलकर लिखी है ये। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बायलैंग्वल बुक है और इसमें 1% भी एरर नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट बुक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ लेकर चलाया सर ने। ठीक, तो बात करें प्रतीक मलिक सर, प्रतीक सहवाल सर दोनों सिलेक्टेड टीचर है और बच्चों अच्छा काम करते हैं टीचिंग एग्जाम में। उनकी जो बुक है, इनकी फीचर बता दें आपको, समरी ऑफ ऑल ब्लॉक इज इंक्लूड, सभी इंपॉर्टेंट ब्लॉक है जो सभी की समरी रखी गई है, साथ वन लीनियर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और DSSB जो एग्जाम पैटर्न है ना उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी बुक को बताया है। इसकी PDF भी हम आपको दिखाएंगे, साथ ही PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। आगे बात करते हैं, एक बुक ये आपको पक्का ले लेनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। हम आपको दिखाएंगे इसकी PDF भी, उसके क्वेश्चन भी दिखाएंगे कैसे कैसे सर ने इसमें अपना कंटेंट दे रखा है। इसके साथ ही आपको बुक लेनी है जो अगर आपका MCQ की प्रैक्टिस करनी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वे आपको जरूर पढ़ने हैं और बहुत से क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते रहते हैं, तो सर ने वो एक बुक और बना रखी है प्रतीक सहवाल सर ने। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है ना उनको नहीं रखा है, यानी एक ही बार क्वेश्चन और रखा है, एक बार जो रिपीटेड उनको नहीं रखा है। वो बहुत ही अच्छी बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आपको ये बुक ले लेनी चाहिए। ये देखा, ये है बूस्टर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ठीक है, इसमें लगभग प्रतीक सहवाल सर ने 5000+ क्वेश्चन रखे हिंदी, और ये हिंदी में है, प्योर हिंदी में भाई। ठीक है, तो बिल्कुल नीन पैटर्न पर है और जो पिछले वर्ष में प्रश्न पूछे हुए रहे, साथ ही साथ इन्हें स्वयं से जो खुद इंक्लूड किया प्रश्न सर ने, खुद के क्वेश्चन सर ने रखे कि कैसे आ सकते हैं। ठीक, आगे बात करें हम जो वेदवान सर की बुक है, रोहित वेदवान सर की, इनकी बुक भी ऐसी, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनके लिए ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो इनका हिंदी कंटेंट है वो सिर्फ ऐसा है कि सेम टू सेम गूगल से ट्रांसलेट किया है। ठीक, बात करते हैं फिर, आपको अगर MCQ की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से थ्योरी पढ़ने के बाद, तो आपको तैयारी करनी है सुरभा पब्लिकेशन बुक ले लीजिए, ये भी एक नंबर बुक है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन में वो है ना कि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा है, बहुत से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। और जो प्रतीक सहवाल सर की बुक है, इसमें क्या है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्होंने उसको एक ही बार रखा है, बार बार नहीं रखा उन क्वेश्चनों को। हम आपको भी PDF दिखाते हैं किस तरीके से प्रतीक सहवाल सर की बुक है। तो सर को उस बुक का रिव्यू देते हैं हम सर की, कितने अच्छे देखे क्या क्या कंटेंट है। जैसे मैंने बताया था, सर ने शुरू में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को रखा है, जैसे फर्स्ट है जो समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना, उसकी इंग्लिश भी दी गई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो जो को हिंदी में वर्ड समझ पाते हैं और कुछ इंग्लिश में अच्छे से वर्ड समझ पाते हैं, तो सर ने दोनों लैंग्वेज बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले यूनिटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लॉक, तो सर ने पहले इंपॉर्टेंट ब्लॉक को शुरू में रखा है। ठीक, बात करते हैं इसकी, देखिए कंटेंट कितना अच्छा आप दे सकते हैं, खुद भी हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, देखिए जैसे कला शिक्षक है, फिर ये है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो जो लेस इंपॉर्टेंट है उस पार्ट को रखा गया है, शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को रखा गया है। ठीक, अब बात करते हैं इसके, दिखाते हैं आपको क्वेश्चन और किस तरीके से सर ने बुक को डिज़ाइन किया है। तो पहला तो ब्लॉग आपका बच्चों को समझना, उसके बारे में लिखा गया, देखिए कि ग्रोथ क्या है, उसमें हिंदी में लिखा है कि वृद्धि क्या है, सचनात में शारीरिक परिवर्तन, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ पॉइंट आते हैं, ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं तो आपको यहाँ साइड में नोट भी कर सकते हैं, यानी इसके साथ बुक में आप अपने नोट्स भी साथ साथ ही बना सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, देखिए कुछ ऐसे होते हैं वर्ड जो हम हिंदी में नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश में याद रह पाते हैं, तो उस तरीके से सर ने दोनों लैंग्वेज को साथ साथ लेकर चला है। ठीक है, और साथ ही जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं भाई, आपको कई बार बुक पढ़ रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद आ जाती हैं, ठीक, तो आप यहाँ साइड में नोट्स भी बना सकते हो। कंटेंट बहुत अच्छा सर का, ये देखिए, जैसे इधर से आपने पढ़ा सामान्य विशिष्ट की ओर, अति अंतर संबंध, भविष्यवाणी, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ साइड में लिख सकते हो, यानी कि नोट्स और बुक दोनों एक साथ हैं, आप नोट्स भी अच्छे से तैयार कर सकते हो और सारी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के लिए आपको सच्ची बुक नहीं मिलेगी, सबसे बेस्ट बुक है, अगर आपने कोई बुक खरीद रखी है तो कोई जो नया नई बुक मत खरीद रही है, उसी तैयारी करते रहिए, लेकिन आप बुक खरीदना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बुक आपको प्रतीक सहवाल सर और प्रतीक मलिक सर की जो ये बुक लिखी गई है NIOS समरी बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बुक है, और इसे इतना करने के बाद ही आपको इनकी जो MCQ वाली बुक है वो भी ले लेनी है, दोनों प्रैक्टिस करिए, आपके मैंने कहा 90+ नंबर आप फोड़ कराओगे एग्जाम में, इनसे बार आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। देखिए जैसे अगले टॉपिक की बात करें तो सर ने किस तरह अच्छे से डिज़ाइन किया है, देखिए यहाँ पर समाज विकास, बौद्ध विकास, मतलब सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं सबको, फिर देखिए इन्वायरमेंट को रखा है, उससे रिलेटेड सारी बातें जो इंपॉर्टेंट है सबको, जो कीवर्ड है सबको अच्छे से रखा गया है, और साथ ही साइड में दिए गए हैं, मान लो कुछ पॉइंट है कि क्योंकि भाई हर इंसान कुछ कमी होती है, मान लो कुछ पॉइंट छूट गए हो तो आप यहाँ साइड में अपने नोट्स भी बना सकते हो। वैसे सर ने बहुत ध्यान रखा है, कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं जो सर ने छोड़ रखो, ठीक है, ये देखिए उदाहरण हिंदी इंग्लिश मतलब दोनों में सब बराबर समान चीज़ें, देखिए हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, अनुवांशिकता, पर्यावरण, समय, मतलब हर एक चीज़ को अच्छे से सर ने अरेंज किया है। तो आपको बताइए सबसे अच्छी बुक है, आप ले सकते हो, मेरा रिव्यू 100% इस बुक के लिए,
ठीक। और साथ ही साथ आप सर के एमसीक्यू बुक भी लेना, ऐसे मत सोचना मैं इसकी सर की बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलता, सिर्फ आपको अच्छा कंटेंट मिले, इसलिए हम आपको बताएं कि साथ ही आप सिलेक्शन ले लें डिटेल प्लस बी में। हम बहुत दिन से सोच रहे हैं कि अच्छी बुक आपको प्रोवाइड करें, आपको बुक के बारे में बताएं कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होगी, ठीक। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू भी दिखाते हैं सर की किस तरीके से बुक एमसीक्यू वाली, ये देखे सर की एमसीक्यू बुक वाली है बुक, और टॉपिक वाइज जैसे आप वहाँ से टॉपिक पढ़े तो इसमें से एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना साथ ही साथ, ठीक। तो दोनों बुक बेस्ट आपके लिए। तो ये देखिए जैसे शिक्षा का इतिहास है पहले, तो इसके एमसीक्यू लगा, ये आप इसके आंसर की भी देख रहे हो, सारे प्रीवियस क्वेश्चन रिपीटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, स्वतंत्र से पूर्व की शिक्षा मतलब, और इसकी पीडीएफ हम आपको अपने चैनल पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही सरोवा पब्लिकेशन की बुक है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी जो बुक आपको बताऊँ मैं एमसीक्यू तैयारी करने के लिए, ये सरोवा पब्लिकेशन की बुक है भाई, हमारे टेलीग्राम पर पीडीएफ पड़ी है और दोबारा फिर डाल देंगे हम इसको ही। शिक्षण निगम मूल क्रियाएँ, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, अनुवांशिक वातावरण, मैं कहूँगा प्रतीक स्वाली सर की बुक ले लीजिए, उससे अच्छे से आपकी थ्योरी क्लियर कीजिए, उसके बाद आप इस बुक को ले लीजिए एमसीक्यू के लिए, प्रतीक स्वाली की बुक ले लीजिए। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें एमसीक्यू ज़्यादा है, मतलब इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी ज़्यादा है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और साथ ही प्रतीक स्वाली सर की बुक में रिपीटेड क्वेश्चन कम है और सारे प्रीवियस ईयर रखे हैं, साथ ही साथ सर ने नए क्वेश्चन जिस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने पास से भी इंक्लूड किए हैं, ठीक। तो आपके लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि टॉपिक वाइज कैसे एमसीक्यू है इसमें, साथ ही साथ थ्योरी भी दी गई है, ये बुक भी बहुत अच्छी है, शिक्षण देने की मूल प्रक्रियाएं ये सभी, और साथ इसके साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर इसके लास्ट में जो एमसीक्यू है, ठीक, एमसीक्यू रखे गए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।